वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे के आकस्मिक मौत पर सवाल खड़े किए हैं। अपने फेसबुक पोस्ट में उन्होंने लिखा है, गोपीनाथ मुंडे 2014 का लोकसभा चुनाव जीतकर दिल्ली आए ही थे। उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। परिवार से लेकर चुनाव क्षेत्र तक में खुशी की लहर थी। फिर अचानक 3 जून को खबर आई कि वे सुबह एयरपोर्ट जा रहे थे। रास्ते में एक टाटा इंडिका उनकी मारुति SX4 से साइड से टकरा गई और वे मर गए। दिलीप मंडल ने कुछ सवाल खड़े किए हैं। पहला सवाल, उस दिन उनके साथ सिर्फ ड्राइवर वीरेंद्र कुमार और सेक्रेटरी सुरेंद्र नायर क्यों थे? दूसरा सवाल, कैबिनेट मिनिस्टर होने के बावजूद उनके साथ एक भी सुरक्षा गार्ड क्यों नहीं था? उस दिन उनका PSO कहां था, जिसे हर हालत में उनके साथ रहना चाहिए था? तीसरा सवाल, गाड़ी के साथ पायलट कार क्यों नहीं थी? एक अकेली गाड़ी में कैबिनेट मिनिस्टर सफर क्यों कर रहे थे? चौथा सवाल, जिस एक्सीडेंट में पिछली सीट पर बैठा एक आदमी मर गया, उस एक्सीडेंट में बाकी 2 लोगों को खरोज भी क्यों नहीं आई? पांचवा सवाल, जांच CBI को सौंपने का फैसला किसका था? छठा सवाल, जांच के दायरे में मुंडे की कार का ड्राइवर और उनका सेक्रेटरी क्यों नहीं था? सातवां सवाल, जिन सुरक्षा कर्मियों को मुंडे के साथ रहना चाहिए था, उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की गई? उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई? आठवां सवाल, घटना के बाद बेटी पंकजा मुंडे ने शक जताते हुए जो फेसबुक पोस्ट लिखा, उसे डिलीट करने की जरूरत क्यों पड़ी? और आखिरी बात, इस कार को देखिए, ये वही कार है जिसमें मुंडे मृत पाए गए। थाना तुगलक रोड नई दिल्ली की ये तस्वीर है। क्या आपको लगता है कि इतने मामूली एक्सीडेंट में किसी की जान जा सकती है और बाकी 2 लोग इतने स्वस्थ बच गए कि मुंडे को अस्पताल ले गए और बयान भी दे दिया? अगर गोपीनाथ मुंडे के साथ हुई घटना की सर्वदलीय संसदीय समिति की निगरानी में जांच कराई जाए तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। यह कहना है दिलीप मंडल का।